विजय हंसदा फिलहाल वर्तमान हमारे नेता हैं, 10 साल हो गया लेकिन 10 साल में 10 पैसा का हमारे क्षेत्र में विकास नहीं दिखाए। गर्मी में जूस पी रहे हैं, क्या कहना इस बार का चुनाव में क्या रहेगा? इस बार मोदी रहेगा, मोदी है, मोदी रहेगा। क्या ऐसा लगता है क्यों? क्यों मोदी बढ़िया है हम लोग के लिए? मोदी मोदी हम लोग का खेती बाड़ी का पैसा दिया इसीलिए। सीट के बारे में अगर हम बात करें तो राजमहल लोकसभा सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे राजमहल लोकसभा हम लोग का है, आदिवासी आरक्षित सीट है, यहाँ का नेता लोग जीत जाते हैं, हम लोग वोट दे देते हैं। अभी विजय हंसदा फिलहाल वर्तमान हमारे नेता हैं, 10 साल हो गया लेकिन 10 साल में 10 पैसा का हमारे क्षेत्र में विकास नहीं दिखाए। आपकी बार फिर बोलेंगे हमको दीजिए फिर विकास करेंगे। हमारे यहाँ क्षेत्र विधायक है, हमारे यहाँ क्या बोलता है कि दिनेश मरांडी जी, वो भी उनको जिताए और हम लोग के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। हम लोग मोहली के बारे में तो कुछ लोग नेता लोग सोचता भी नहीं है, नेता लोग खाले बन जाते हैं विकास विकास बोल के, और कहाँ आज तक विकास हुआ। आजकल देखते हैं पंचायत के जो मुखिया लोग हैं उनका बड़ा छोटा मोटा विकास देखते हैं, गांव में छोटा मोटा ढलाई कर देता है, पाट कुआं कर देता है, और संसद लोग के करोड़ों का फंड आता है और कहाँ जाता है उसके बारे में कोई जनता का जानकारी नहीं है। हम लोग विकास चाहते हैं, अगर नेता बने तो विकास चाहिए, नेता अगर बनेगा विकास नहीं करेगा तो नेता जैसा नेता हमको नहीं चाहिए, देशवासियों के लिए नहीं चाहिए। कोई भी नेता बने विकास करे वही नेता होता है, और अपने आप में अगर विकास करे वो नेता नहीं होता है, वो तो अफसरशाही हो जाता है, डॉन बन जाता है कोई भी नेता। अरे आपको गरीब ने वोट दिया के को कीमत वोट आपको नेता बनाए क्यों? हमारे दुख दर्द जान के बारे में क्या कहना है, क्या ख्याल है उनको? अरे राहुल गांधी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, राजीव गांधी को भी जानते हैं, इंदिरा गांधी को भी, सोनिया गांधी को भी जानते हैं, लेकिन जितना राहुल गांधी कांग्रेस लोग थे पहले तो बहुत सत्ता चलाई सरकार चलाई लेकिन देश में विकास कुछ हो नहीं है भाई, जीरो बाय जीरो है। हमारे गांव समाज में तो कांग्रेस के मैटर का तो कोई है सबूत ही नहीं है, क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ आज तक हमको पता भी नहीं है। अब मोदी आके तो जानते हैं कि बोलता है कि किसान का पैसा मिलता है, आवास भी मिला बहुत को, चावल मिलता है, क्या बोलता है जनधन पैसा भी मिला है, जनधन हमको भी मिला है, और क्या बोलेंगे बोल। मोदी जी के कामकाज में संतुष्टि है आप लोग? हाँ है, वो देखिए सबको लेके चलता है और देश आज बहुत आगे चल गया, और कांग्रेस ने उतना कितना बोलते 60-70 साल चलाया, बिस्तर ढुका दिया था देश को, सब कोई जानता है, एक बच्चा भी जानता है, आप भी जानते हैं, और आज का आदमी गर्व के साथ कहता है कि इंडिया कहाँ पहुँच गया है, बोले पहुँचा कि नहीं पहुँचा है, विदेशों में सम्मान है। और बोले क्या पूछना है? सीट के बारे में अगर हम बात करें तो राजमहल लोकसभा सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे राजमहल लोकसभा हम लोग का है, आदिवासी आरक्षित सीट है, यहाँ का नेता लोग जीत जाते हैं हम लोग वोट दे देते हैं। अभी विजय हंसदा फिलहाल वर्तमान हमारे नेता हैं, 10 साल हो गया लेकिन 10 साल में 10 पैसा का हमारे क्षेत्र में विकास नहीं दिखाए। आपकी बार फिर बोलेंगे हमको दीजिए फिर विकास करेंगे। हमारे यहाँ क्षेत्र विधायक है, हमारे यहाँ क्या बोलता है कि दिनेश मरांडी जी, वो भी उनको जिताए और हम लोग के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। हम लोग मोहली के बारे में तो कुछ लोग नेता लोग सोचता भी नहीं है, नेता लोग खाले बन जाते हैं विकास विकास बोल के, और कहाँ आज तक विकास हुआ। आजकल देखते हैं पंचायत के जो मुखिया लोग हैं उनका बड़ा छोटा मोटा विकास देखते हैं, गाँव में छोटा मोटा ढलाई कर देता है, पाट कुआं कर देता है, और संसद लोग के करोड़ों का फंड आता है और कहाँ जाता है उसके बारे में कोई जनता का जानकारी नहीं है। हम लोग विकास चाहते हैं, अगर नेता बने तो विकास चाहिए, नेता अगर बनेगा विकास नहीं करेगा तो नेता जैसा नेता हमको नहीं चाहिए, देशवासियों के लिए नहीं चाहिए। कोई भी नेता बने विकास करे वही नेता होता है, और अपने आप में अगर विकास करे वो नेता नहीं होता है, वो तो अफसरशाही हो जाता है, डॉन बन जाता है कोई भी नेता। अरे आपको गरीब ने वोट दिया के को कीमत वोट आपको नेता बनाए क्यों? हमारे दुख होगा, हम लोग तो बदलाव करने चाहते, विकास चाहिए भाई, कोई भी नेता है विकास चाहिए। इनको तो हम लोग देखते हैं कि विकास के बारे में सोचता भी नहीं है, किसी से मिलता भी नहीं है, जन जनसंपर्क भी नहीं करते हैं।
तो हम लोग कैसे विश्वास होगा कि विकास करेंगे हम लोग के बारे में ही। कोई भी नेता बने, जब तक गरीब किसान के विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। 90% हम लोग क्षेत्रीय गरीबी हैं और शहरी क्षेत्र के इतना 10%। सब नेता फोकस रहता है शहरी क्षेत्र में और भारत का आत्मा तो क्षेत्र में है, गांव शहर में है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। नेता हो तो ऐसा जैसे गांव के बारे में सोचे, गांव की समस्या के बारे में सोचे, कौन गरीब है, कौन दलित है, कौन पढ़ा लिखा है, किसको काम मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में सोचे, इसका एजेंडा चलाए। ये सब तो कुछ करता भी नहीं है, ऊपर ऊपर चला जाता है प्लान में, उसके 50 को बॉडीगार्ड, 50 को स्टिकार्ड रख लेता है आगे पीछे, जनता को छोड़ देता है। पढ़ा लिखा तो बहुत है, हम भी पढ़े लिखे हैं, क्या करेंगे, ये बात छोलते हैं। नेता लोग को आँख है, इसके बारे में कोई भी नेता का नज़र नहीं है। नेता लोग चाहता है कि मेरा कुर्सी कैसे मिले, मेरे पीछे आगे पीछे 50 को 100 को बॉडीगार्ड कैसे रहे, DC, SP, थानेदार, चौकीदार, जमादार, ये सब सोचते हैं। देश के बारे में सोचने वाला सब नेता नहीं है, अपने पॉकेट के बारे, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, अपने लग्जरी गाड़ी के लिए सोचता है। देश के बारे में कौन सा नेता सोचते हैं आपके हिसाब से? अभी तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही एक नेता है जो देश के बारे में सोचते हैं। गर्मी में जूस पी रहे हैं, क्या कहना है इस बार का चुनाव में क्या रहेगा? इस बार मोदी रहेगा, मोदी है, मोदी रहेगा। क्या ऐसा लगता है? क्यों मोदी बढ़िया है हम लोग के लिए? मोदी हम लोग का खेती बाड़ी का पैसा दिया, इसीलिए। क्या काम और अच्छा लगा उनका? मोदी का हर काम बढ़िया है। राहुल गांधी के बारे में क्या? वो पहले था, बहुत दिन राज किया, कितना दिन करेगा, अब कोई दूसरा करेगा, ठीक रहेगा। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? राजमहल लोकसभा BJP जीतेगा इन साल। क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव में आपका, हम लोगों का? सर हम लोग का मुद्दा क्या रहेगा, काम तो जो यहाँ जीता था, क्या नाम है, विजय हंसदा, क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया। इस बार क्या उम्मीदें हैं? इस बार यहाँ जीतेगा BJP। घर और पेंशन या फिर कोई तो का पेंशन भी नहीं हुआ है, अभी फॉर्म वॉर्म तो भरे हैं, कहाँ पेंशन हुआ है। ये बताइए, चुनाव आ गया है, अच्छा, जिनको वोट डालना है, ठीक क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है आप लोगों का, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा में तो अभी BJP के चलेगा, कभी कभी वो देखभाल करता है इसीलिए। अच्छा, क्या काम अच्छा लगता है आपको BJP का? ही मतलब बहुत आदमी को चावल वावल देता है या वो देता है, इसीलिए हम लोग उसको अच्छा मानते हैं। JMM में तो कुछ नहीं मिला अभी तक। क्या नाम है आपका? स्टेफन मोहली।